पाक कलाम में से तलावत की जाएगी। खुदा के कलाम में से मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम का खत और उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर उसकी 20वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर उसकी 20वीं आयत के आखिर तक। पाक कलाम में यूं मरकूम है, अब ए भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदावन मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। क्योंकि तुम्हारी फर्मा बरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूं, लेकिन यह चाहता हूं कि तुम नेकी के एतबार से दाना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बने रहो। और खुदा का इत्मीनान, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे, आमीन। मेरे जीजो, आज का पैगाम एक अहम पैगाम होने वाला है, चूंकि आज हम इस बात को सीखने वाले हैं कि कलीसिया में वो लोग जो परेशानी फैलाने का सबब हैं, बिदती फिरके या बिदती लोग जो आए रोज नई तालीबात लेकर आ रहे हैं, आए रोज वो नई नई चीजों को मसीहत में मुतारफ करवा रहे हैं जो कि ना खुदावन की मर्जी के मुताबिक हैं और ना कलाम में उनका जिक्र है, हमें उनसे कैसे निपटना है। क्योंकि जब हम इस मुआशरे में रहते हैं, हमारे ऐसे बहुत से लोगों से ताल्लुकात होते हैं और ऐसे बहुत से लोग जिनसे हमारे ताल्लुकात होते हैं, हम अपने ताल्लुक को उनके साथ खराब नहीं करना चाहते कि अगर मैंने इसे कुछ कह दिया, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा कराबती है, ये मेरा जानने वाला है, ऐसा करने से मेरा ताल्लुक खराब हो जाएगा। और होता क्या कि एक खानदान एक घर उसे अपने यहाँ बुला लेता है और वो लोग जो बिगती तालीम को लेकर आते हैं, जब एक शख्स इलाका में एक खानदान इलाके में उनकी तालीम से मुतफिक होता है तो दूसरे भी उन्हें देख कर उनके पीछे लग जाते हैं। गुज़श्ता दिनों मुझे बड़ी खुशी हुई, अपने चर्च के एल्डर साहब उनके साथ मेरी बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि कोई शख्स उनके साथ वो इबादत करते थे और चंद सालों के बाद जब वो दोबारा उनसे मिले तो वो साहब जो इबादत करवाते थे वो ये चाहते थे कि हमारे एल्डर साहब वो उन्हें छोड़कर हमें छोड़कर उनके चर्च के मेंबर बन जाएं। तो एल्डर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने उन्हें ये बताया कि हम आपके साथ दुआ करते थे लेकिन हम मेंबर अपने चर्च के हैं, हम आपकी तालीम के साथ मुतफिक नहीं, आप दुआ तो करते हैं या करवाते हैं लेकिन हम आपकी तालीम के साथ मुतफिक नहीं। मुझे दिली तौर पर इस बात के लिए खुशी हुई कि वो मेहनत जो आप पर की जाती या वो कलाम जो आप तक पहुंचाया जाता है वो बेफायदा नहीं। और आज के दौर में बिदती फिरके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आइंदा अयाम में हम इसके बारे में सीखेंगे भी और मुख्तलिफ जो बिदती फिरके उनकी तालीम क्या है हम इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे हम उन्हें बिदत कहते हैं। लेकिन ये याद रखें कि बिदती फिरके कलीसिया के आगाज से ही, जब से मसीह यीशु आसमान पर गए तब से ही बिदती तालीमात इस दुनिया में मौजूद हैं और जो लोगों के लिए परेशानी का बायस हैं, ये लोग कलीसिया को तबाह कर देते हैं, कलीसिया को बर्बाद कर देते हैं और अपनी मर्जी से कलीसिया को चलाना चाहते हैं। खुदावंद का कलाम इसके लिए बड़ी अच्छी बात बयान करता है कि उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। दो चीजें हैं, क्या किया करो, उनको ताड़ लिया करो और क्या किया करो, उनसे किनारा किया करो। यीशु मसीह ने बहुत पहले इन बातों के लिए पेशेंगोई कर दी थी
और इसका जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती की इंजील के सातवें बाब में और उसकी 15वीं आयत में मिलता है। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका सातवां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं। किस भेष में आते हैं? भेड़ एक ऐसा जानवर है जो बड़ा सादा जानवर है, जहां पर भेड़ को लगाया जाए, एक भेड़ चल रही हो बाकी भेड़ें भी उसके पीछे चल पड़ती हैं। तो कलाम में लिखा है कि वो आते तो भेड़ों के भेष में है, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़ ये हैं। बातन में क्या है? फाड़ने वाले। और आगे लिखा है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। किससे पहचानोगे? उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। और पौलुस रसूल इमाल की किताब के अंदर ये बात बयान करते हैं, इमाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत, खुदा उनके कलाम में लिखा है, इमाल की किताब उसका 20वां बाब सॉरी उसका 20वां बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत में लिखा है, मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जागते रहो और याद रखो। पौलुस ने भी ये बयान किया और हमने खुदावन्द यीशु मसीह की उस बात को भी कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि लोग आएंगे, हाथ में कलाम ही पकड़ा होगा, लगेंगे कि भेड़ हैं, लगेंगे कि खुदा के खादम हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो बातों में फाड़ने वाले क्या होंगे? भेड़ होंगे। पौलुस ने भी कहा कि मेरे बाद तुम में ऐसे बहुत से लोग आएंगे। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह यीशु की अलहियत का, मसीह यीशु के खुदावन होने का इनकार करते हैं। वो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ यहोवा ही यहोवा है, वही बेटा बन गया, वही रूह कुदस है। और ऐसे बहुत से फिरके भी हैं जो खुदावन यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते। और इसी तरह की और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मसीहत की बुनियाद को खराब करती हैं। याद रखें, हमें ऐसे लोगों से बचना है। और रोमियो के कलीसिया को लिखते हुए मुकद्दस पौलुस ये कहते हैं कि उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा करो। रोमियो का खत ये मुकद्दस पौलुस एक ऐसी कलीसिया को लिख रहे हैं जो रोमा में है, और इस खत के इख्तिताम पर 16वें बाब में मुकद्दस पौलुस तमाम ईमानदारों के लिए दुआ करते नजर आते हैं, और इसी के साथ वो अपने सलाम को, वो अपनी नेक तमन्नाओं को उन तक पहुंचाते हैं। इस खत में लिखकर वो ईमानदार जो इस कलीसिया में है, और 17वीं आयत में लिखा है कि अब ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। उनसे क्या किया करो? अगर हम लेबोरेटरी में चले जाएं, साइंस लेबोरेटरी की बात कर रहा हूं, वो बच्चे जो पढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट, जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं, ऐसे बहुत से केमिकल्स होते हैं जो हमें पानी की तरह नजर आते हैं, लेकिन अगर उनको पी लिया जाए तो क्या होता है जी? नुकसान होता है। नजर वो पानी की तरह ही आते हैं, लेकिन जब आप उनको पी लें तो वो पानी नहीं, जब वो जिस्म में उतरते हैं तो वो नुकसान करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग वो हमें खादम नजर आते हैं, ऐसे बहुत से लोग हमें पादरी सबान की तरह नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस भी उनके पास यही मौजूद है, लेकिन जब वो कलाम सुनाते हैं तो वो ऐसी तालीम देते हैं कि अच्छे भले लोग वो ईमान से गुमराह हो जाते हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि उनसे किनारा किया करो। क्या किया करो उनसे? गलत तालीम ईमानदारों को तकसीम कर देती है। क्या करती है? गलत तालीम ईमानदारों को और तकसीम कर देती है। और याद रखे कि इबलीस जब भी आता है वो फूट डालने के लिए आता है, वो मार डालने के लिए आता है, वो अलहदा करने के लिए आता है। इससे पहले कि कोई ऐसी तालीम देने वाला हमारे घर में आए, हमारा दरवाजा खटखटाए और कहे कि बहन जी या भाई जी मैं आया हूं, मेरे साथ मिलकर दुआ करें, दरवाजे पर उसे पूछें आप कौन हैं, आपकी तालीम क्या है। ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी पिछले दिनों में मुझे एक शख्स का के बारे में पता चला जो
खादमीन के खिलाफ, पादी सबान जो खुदा के खादम खिदमत कर रहे हैं, खुद वो खादम नहीं, खुद उसने कुछ सीखा नहीं, लेकिन वो खादमीन के खिलाफ बुरी बातें करता है। हाँ, अगर आप किसी कलीसिया के पासबान हैं, आपको खुदा ने इख्तियार दिया है, आप किसी ऐसे चर्च सेटअप से ताल्लुक रखते हैं, तो आप किसी शख्स को के बारे में बता सकते हैं, लेकिन बेजा बातें, मिसाल के तौर पर मैं आइंदा दिनों में पैगाम देता हूं और मैं किसी शख्स के बारे में नहीं बल्कि किसी चर्च सेटअप के बारे में, किसी बिदअती तालीम, किसी फिरके के बारे में बताता हूं, तो मैं किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखता। मैंने कलाम में से बताना है, कलाम में से बयान करना है कि वो शख्स जो ऐसी तालीम दे रहा है वो क्यों बिदअत है, क्योंकि उसकी दी हुई तालीम कलाम के मुताबिक नहीं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐसे लोगों से किनारा करो। क्या करो ऐसे लोगों से? इब्तदाई कलीसिया जब हम उनको देखते हैं तो उन्होंने ऐसे उस्तादों को छोड़ दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, बर यसु हमें उसका जिक्र मिलता है, हमें ऐसे लोग उनका जिक्र कलाम में मिलता है, इमाल की किताब में, जो कलीसिया को, जो ईमानदारों को, जो गैर यहूदी लोगों में से आए थे, वो कहते हैं कि जब तक ये खतना नहीं करेंगे ये सच्चे ईमानदार नहीं बन सकते। तो पालूस, याकूब, पतरस, ये सब शागिर्द, इनकी एक कौंसल, हमें इसका जिक्र ईमाल की किताब में मिलता है, वो इस तालीम का इनकार करते हैं कि ईमान का, निजात का इन जिस्मानी कामों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये तालीम आज भी मसीहत में पाई जाती है, बहुत से फिरके आज भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि जब तक आप इस जिस्मानी निशान को नहीं लेते आप ईमानदार नहीं, यानी पहले आपको जिस्मानी निशान लेना होगा और उसके बाद आपको मसीह बनना होगा, अगर ऐसा नहीं तो आप मसीह नहीं। कलाम में लिखा है, ऐसे लोगों से किनारा किया करो। क्या किया करो? लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ खानदानी ताल्लुक बना देते हैं। मेरे अजीजों, में खास तौर पर वालदैन से इस वक्त पे मुखातिब हूं, जब आप अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं, अपने बेटों के लिए बीवी लेकर आते हैं, अपनी बेटी को किसी के घर में देते हैं, तो जरूर इस बात का ख्याल करें कि क्या वो खानदान, वो घराना किसी बिदती तालीम का शिकार तो नहीं। अगर किसी जादूगर घराने में, किसी बुतप्रस्त घराने में आप अपने बच्चे को ब्याह देते हैं तो आप उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देते, उसकी रूहानी जिंदगी, वो चीजें जो उसने 20 साल की उम्र तक सीखी, आप उसका सारा जो जहन है वो खराब कर देते हैं, वो सारी जिंदगी ये सोचने पर मजबूर रहती है या रहता है कि ये दुरुस्त या वो जो मैं सीखता रहा वो दुरुस्त। रिश्ते नाते करते हुए भी जरूर इस बात का ख्याल रखें, और खास तौर पर जब आप इस मुआशरे में, हम इस मुआशरे में रहते हैं, तो हम ऐसे लोगों से किनारा करें जो बिदती तालीम के मानने वाले हैं। अगर कोई शख्स खानदान में से ऐसे लोगों की तरफ जाता है तो हमें उससे किनारा करना है। दुनियावी ताल्लुक आप रखें लेकिन रूहानी ताल्लुक को उसके साथ कायम ना रखें। गुज़श्ता साल में मुझे और खुदाम के खादम, मेरे साथ जो खिदमत करते हैं साईवाल में, हमने वहाँ शहर में एक कलीसिया के, वहाँ के बुजुर्ग भाई थे, उनकी वफात हुई, उनके जनाजे को करवाना था, तो घर के लोगों ने कहा कि पादी साहब हमारा भतीजा है और वो और उसके साथ कुछ लोग आए हैं, वो जनाजा करवाना चाहते हैं, तो यहाँ की इबादत उन्हें करवा लें, जनाजा जो कब्रिस्तान में होगा वो आप करवा लें। हमने कहा ठीक है, अगर घर वालों की ख्वाहिश है। जब वो लोग आए और उन्होंने जनाजा करवाया तो पैगाम हरगिज भी तसल्ली और इत्मीनान का पैगाम नहीं था। दुआएं जो की गई वो दुआएं किसी और ही जुबान में थी, जिसके लिए खानदान के लिए दुआएं करना जरूरी था, एक दफा भी उनके लिए दुआ ना की गई। जब घर के अंदर से जनाजे को ले जाया गया तो उनका ये कहना था कि कल जब इबादत होगी, मेमोरियल सर्विस होगी, तो उसमें भी उन्होंने कलाम सुना है, तो घर के अफराद ने पहले ही कह दिया कि पादी साहब मेहरबानी से सब कुछ आज भी जो हो गया हो गया, इसके बाद कब्रिस्तान का हिस्सा और उसके बाद जो कल की इबादत है वो भी आपने करवानी है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जब कोई वफात पा जाता है तो हम उसकी तसल्ली के लिए दुआ करते हैं, लेकिन उनका तरीका कार खुदा के कलाम से हटकर था, और वो चीजें जो हमारे मुआशरे में है एक खादम के लिए जरूरी है कि वो खानदान के लिए जो गम में है उसके लिए दुआ करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और क्या हुआ कि उन्होंने उसी शाम उस नौजवान को, उसके साथ जो लोग आए थे, उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि मेहरबानी से आप चले जाएं, क्योंकि
लोगों में हमारी जग घसाई हुई है। और मेरे चीजों, जब हम ऐसे लोगों को अपने पुलपट पर, ऐसे लोगों को हम अपने घर में मौका देते हैं और हम उससे किनारा नहीं करते, तो बिदात बढ़ती जाती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम इनसे निपटें, तो हमें इनसे किनारा करना पड़ेगा। और खुद हम के कलाम में मुकद्दस पालूस कहता है, उनको ताड़ लिया करो। ताड़ लिया करो का क्या मतलब है? कि देख लिया करो। आज हम दुआ के लिए बुलाना तो चाहते, लेकिन जानना नहीं चाहते कि ये शख्स कौन है। और पंजाबी जैसे की कहने, कोई गल नहीं, दुआ ही करानी है। ये नहीं पता कि वो सारी दुआ यस्सू से करके, सारी दुआ रूह कुदस से कर दे, बाप का नाम ही नहीं लेता बीच में, वो बाप को बाप मानता नहीं, वो कहता यस्सू ही बाप है, यस्सू ही बेटा है, यस्सू ही रूह कुदस है। कलाम में लिखा है, ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, देख लिया करो। और जब देख लिया है, तो फिर आगे लिखा है, क्या किया करो? उनसे किनारा किया करो। क्या किया करो? क्यों किनारा करना है? खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि वो बद दयानत खादम है। वो कौन से खादम है? दयानतदार खादम वो है जो दयानतदारी के साथ कलाम को पेश करता है। वो अपने बारे में ये नहीं सोचता कि अगर मैंने आज बता दिया, ये बात बता दी, तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं तो ऐसी तालीम देता हूं। वो लोग बद दयानत है, वो लोग जो कलाम के मुताबिक नहीं चलते, वो क्यों बद दयानत है? क्योंकि वो खुद निजात याफ्ता नहीं होते। निजात याफ्ता शख्स, बाखबर शख्स ही खुशखबरी सुनाता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मसीह यीशु को शख्सी निजात दिंदा कबूल किए बगैर, बचपन में बपतिस्मा ले लिया, बचपन के बपतिस्मे की तालीम दे रहे हैं। वो शख्स बहुत बड़ा थियोलॉजियन हो सकता है, लेकिन कलाम के मुताबिक जिसने खुदा की बख्शिश का, निजात का मजा नहीं चखा, वो किसी शख्स को भी निजात की जानिब लेकर नहीं आ सकता। जो खुद निजात याफ्ता नहीं, वो किसी दूसरे को कैसे निजात की तरफ लेकर आ सकता है? मुकद्दस पौलुस ने सुनकर फिलिपियों की कलीसिया के नाम का खत, फिलिपियों के नाम का खत, उसका तीसरा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत, फिलिपियों 3 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत पर लिखा है, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वह अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। मसीह की सलीब के क्या है वो? क्यों दुश्मन? क्योंकि सलीब का पैगाम देना ही नहीं। सलीब पर यीशु ने क्या किया? निजात का पैगाम देना ही नहीं। ये कहना ही नहीं, आए यीशु मसीह को अपना निजात दिंदा कबूल करें, क्योंकि वो ये तसव्वुर करते हैं कि बचपन से मसीह कार से पैदा हो जाना, पानी के छट्टे सर में डालकर, माथे पर सलीब बनाकर हम इसे मसीह बना चुके हैं। कलाम में लिखा है कि ऐसे लोग सलीब के, मसीह की सलीब के दुश्मन है, और लिखा है उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। दुनिया की चीजें, अच्छा चर्च मिल जाएगा, जिस चर्च में मैं पासवान हूं, कलीसिया मुझे अलहदा तनख्वाह देती है, मिशन की जानब से, डायसिस की जानब से मुझे अलहदा तनख्वाह दी जाती है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया की चीजों के ख्याल में। कलाम में लिखा है कि वो मसीह की सलीब के दुश्मन है, वो बददियानत है, वो खुद भी दोजख में जाएंगे और दूसरों को भी दोजख में ले जाने का सबब बनते हैं। कलाम में लिखा है उनको ताड़ लिया करो। क्या करो उनसे? क्या करो उनसे? दरवाजे पर आए पूछे, दरवाजे को खोलने से पहले ये ना समझे कि खुदा का खादम है। आजकल बड़ी बिदती तालीम फैलाने वाले नजर आ रहे हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते। कलाम में लिखा है कि वो औरतों को अपने काबू में कर लेते, बहन जी करके घर में आ जाते हैं, बाद में वो बहन जी को काबू में करके सारे खानदान पर राज करते हैं। कलाम में लिखा है उनको ताड़ो और उनसे किनारा करो। 18वीं आयत रोमियों का उसका 16वां और 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे खुदा मसीह की नहीं बल्कि अपने पेट की खिदमत करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सादा दिलों को बहकाते हैं। क्या करते हैं? सादा दिलों को। देखिए, जब खुदा का कोई भी खादिम कलाम सुनाता है, मेरा कलाम सुनाने का मतलब यह नहीं कि कोई तुहाडे घर है तो गाल पै जाओ। जब खादिम कलाम सुनाता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो लोगों को बहकाए, जैसे दूसरे मजहब में हम देखते हैं कि जी खुतबा हुआ तो खत्म हुआ तो जाके सड़क मंग कर दो। खुदा का खादिम लोगों को बहकाता नहीं, वो रूह कुदस की हिदायत से लोगों को सिखाता है। बहुत से ऐसे मौजूआत हैं जो चर्च में सिखाए जाते हैं,
बताया जाता है लेकिन उसके बारे में सख्ती नहीं की जाती, क्योंकि हर शख्स के लिए खुदावंद की मर्जी है। हर शख्स को खुदा का रूह कुदस इसलिए दिया गया है ताकि वो सुने और तब्दील हो। जैसे गुज़श्ता इतवार का पैगाम था, मैं हरगिज़ भी इस बात का कायल नहीं कि घर में आया जाए और आकर लोगों को मना किया जाए, उनसे नाराजगी का इजहार किया जाए, चर्च से बाहर निकाल दिया जाए, नहीं। बहकाना खुदा के खादम का काम नहीं, लेकिन ऐसे लोग जो अपने पेट की खिदमत करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कलाम में लिखा है कि वो लोगों को बहकाते हैं। क्या करते हैं लोगों को? आप उनकी बातें सुन लें, उसमें बदतमीजी शामिल होगी, आप उनकी उनके पैगामात सुन लें, वो लोगों को बुरी बातें कहते हुए नजर आएंगे। बहकाना, रूह कुदस हमें बहकाता नहीं, रूह कुदस हमें कायलियत बख्शता है, रूह कुदस हमें कायल करता है कि हम इस बात के लिए कायल हों। अगर बहका कर, अगर जबरदस्ती के साथ किसी को लाना हो तो आज सारे दुनिया में जो लोग हैं वो सारे मसीह होते। खुदावन हमारा खुदा वो किसी को डरा कर, बहला कर, तलवार के जोर पर नहीं बल्कि रूह की कायलियत से उन्हें लाता है। लेकिन जो बिदती फिरके हैं वो बहकाते हैं। जाओ अपने पादरी साहब ने पूछो, ऐ गल कदी उन्होंने तुम दसी नहीं गी, आपके पादरी साहब ने आपको यह नहीं बताया ऐसी बातें क्यों करते हैं, ताकि लोग चर्च के पासबान की जो सिखाने वाला उसके खिलाफ हो। लेकिन हमें अच्छे ईमानदार होते हुए ये सोचना और देखना है कि कौन शख्स है जो हमें कलाम की तालीम देता है और कौन शख्स है जो हमें बहकाता है कि हम ऐसा काम करें जिससे मसीह के नाम पर ठेस लगे। और ये लोग क्यों बहकाते हैं? क्योंकि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानने से इनकार करते हैं। और कलाम में लिखा है यहूदा के खत में कैसे बहुत से हैं जो मसीह को नहीं मानते, और लिखा है कि उनका उनके लिए जिक्र पहले से कलाम में कर दिया गया है। और हमें ऐसे लोगों से खबरदार रहना है क्योंकि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तिमोथियस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, दूसरा तिमोथियस और उसका दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत, दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और बेदीनी में तरक्की करेंगे। ऐसे शख्स क्या करेंगे? बेदीनी में तरक्की करेंगे। दूसरा तिमोथियस उसकी 16वीं आयत इसके अंदर और इसी तरह इससे पहले की जो आयत है उसके दूसरे हिस्से में मिलता है कि खुदा के कलाम को हमने दुरुस्ती से काम मिलाना है। कैसे काम मिलाना है? अपने फायदे के लिए नहीं कि पाज साहब हर इतवार उठकर बताएं कि जी मेरी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, हदिया दिया करें, चंदा दिया करें, ये देखे फलां फलां लोगों ने ऐसा किया। लोग अपने लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए ऐसा कलाम और ऐसी तालीम देते हैं, लेकिन कलाम में लिखा कि ऐसे लोगों से हमें बचना है। वो लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। दुआ करने की बात आएगी तो गैर कौमों में खड़े हैं, तो बजाय इसके कि दुआ में ये कहें कि सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, या तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सबसे आकर में कह देते हैं सब कुछ मांगते हैं तेरे ही नाम से, ताकि कोई मुझसे सवाल ना कर ले। सच्चाई देनी है लेकिन तोड़ मरोड़ कर पेश करनी, कि बंदे को समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें ऐसे लोगों से जो सादा दिनों को बहकाते हैं, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। और हमें 17वीं आयत में क्या पढ़ा? उनको तार लेना है, पहले ही देख लेना है, और क्या लिखा है? उनसे किनारा करना है। क्या करना है उनसे? 19वीं आयत में लिखा है, पौलुस तारीफ करता है रोमियों की ईमानदारों की, कि तुम्हारी फर्मा बरदारी सब में मशहूर हो गई। किसकी फर्मा बरदारी? तुम्हारी फर्मा बरदारी सब में मशहूर हो गई। मेरे अजीजो, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं आपको इस चर्च का, बैप्टिस्ट चर्च का फर्मा बरदार नहीं बनाना चाहता, मैं आपको अपना फर्मा बरदार नहीं बनाना चाहता। मैं ये चाहता हूं और खुदा का कलाम ये चाहता है कि जो कुछ कलाम में लिखा है हम उसके फर्मा बरदार बने। ऐसी कोई भी तालीम, ऐसी कोई भी बात जो खुदा के कलाम के खिलाफ है हम उसको छोड़ें, और फर्मा बरदारी करनी है तो कलाम की करें। पासवान मैं हूं, मेरे बाद कोई आता है, मेरी गैर मौजूदगी में कोई आता है, कोई कुछ भी कह दे, खोले कलाम को और देखे कि इसमें क्या लिखा है। अगर तो उसमें कुछ जो खादम बता रहा है लिखा है तो उसको माने, उसकी फर्मा बरदारी करें। पौलुस तारीफ करता कहता है कि तुम्हारी फर्मा बरदारी सब में मशहूर होगी, इसलिए तुम्हारे बारे में मैं खुश हूं,
लेकिन ये चाहता हूं कि तुम नेकी के अतबार से दाना बन जाओ। नेकी के अतबार से क्या बन जाओ? दाना बन जाओ। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो हमें याद रखनी है, और बदी के अतबार से भोले बने रहो। बदी के अतबार से क्या बने रहो? लेकिन आज बड़ा दौर अजीब आ गया, पुठे काम सारे पैदा होते बच्चे को उल्टे कामों का पता है, उसमें तेज है और नेकी करने में हम बड़े सुस्त। नेकी क्या है? कि हम कलाम की फरमा बरदारी करें। और बदी क्या है? हम उसके बारे में जाने कि ये शख्स, इसकी तालीम गलत है, ये गलत तालीम देता, ये कलाम के मुताबिक नहीं चलता, मैंने इस शख्स के को अपने घर में नहीं आने देना, मैंने इस शख्स के साथ अपना कोई रस्म और रिवाज नहीं रखना, क्योंकि ये ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी नस्लों का मुस्तकबिल, जो रूहानी मुस्तकबिल है, उसको तबाह कर देगा। बहुत से लोग हैं वो आते हैं और आकर बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेकर फिर दोबारा उसी कलीसिया में जहां पर बपतिस्मा देने के खिलाफ तालीम दी जाती है, बपतिस्मा ना देने के बारे में बताया जाता है, वो जाकर ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी वापस श्री करते हैं। और होता क्या है? ऐसा करने से उनका खानदान और उनका घराना जो है उसका मुस्तकबिल, रूहानी मुस्तकबिल खराब हो जाता है, क्योंकि कलाम की फरमाबरदारी तो हमें जिंदगी में नजर नहीं आती। पालूस ये कहता है कि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई। एक हकीकी खादम की यह जिम्मेदारी है, एक पादरी की जिम्मेदारी कि वो कलीसिया को खुदा का फरमाबरदार बनाए। किसका फरमाबरदार? अपना नहीं। कि पादरी साहब चर्च से बाहर निकले तो उनकी जूती पकड़ के खड़े हो, ये पादरी साहब की फरमाबरदारी आपको हमेशा की जिंदगी में नहीं लेकर जाएगी। जो कुछ पादरी साहब ने कह दिया उसको तो मान लें, लेकिन जो कुछ कलाम में लिखा है हम उसका इनकार कर दें, याद रखें, ऐसा करने से हमारी फरमाबरदारी खुदावंद के हजूर में लायक नहीं ठहरेगी। कलाम में लिखा है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? अगर हम कलाम के फरमाबरदार हैं तो हमारी जिंदगी में फरमाबरदारी नजर आएगी। माजद के साथ ही कहना चाहूंगा, हम दुआ तो करना चाहते हैं, हफ्ते के बाद चर्च में तो आना चाहते हैं, लेकिन 9 बजे इबादत का वक्त है, हम इतने फरमाबरदार हैं कि 10:30-11 बजे चर्च में आते हैं ताकि पैगाम शुरू हो जाए, अद्धा को घंटा ही मिले बैंड ली। इसका मतलब यह कि हम कलाम के फरमाबरदार नहीं है। अगर होते तो हम ये जानते कि इबादत, खुदावंद की इबादत, उसका वक्त हो चुका है, हमें खुदावंद का इंतजार नहीं करवाना बल्कि हमें खुदावंद के घर में वक्त पर जाना है। तो ये फरमाबरदारी हमारी जिंदगी में कैसे आ सकती है? सबसे पहली बात ये कि जब हम कलाम को सुनेंगे, जब क्या करेंगे? कलाम को सुनेंगे। अगर आप ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम कलाम के फरमाबरदार बने तो कलाम को सुने। एक शख्स एक चर्च में दुआ करने के लिए गया और जब पैगाम शुरू हुआ तो वो शख्स सो गया, उससे नींद आ गई और पैगाम पादरी साहब जो दे रहे थे वो इसी बारे में दे रहे थे कि जब वो लोग जो चर्च में आते हैं और उन्हें बहुत नींद आती है, पादरी साहब ये बता रहे थे कि ऐसे लोग जब सो जाते हैं तो वो खुदा की बरकतों से महरूम रह जाते हैं। तो वो शख्स जो सो रहा था, सोते सोते एकदम पादरी साहब की आवाज़ आई, वो कौन है जो सो रहे हैं? तो उसने जल्दी जल्दी तालियां बजानी शुरू कर दी, तो इससे पता चल गया कि वो सुन नहीं रहा था। मेरे जीजू, जब हम खुदा के घर में आते हैं और कलाम की फरमाबरदारी नहीं करते तो इसकी वजह क्या होती है? कि हम सुनते नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान कैसे पैदा होता है? और सुनना खुदा के कलाम से। अगर हम कलाम को सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर ईमान और फरमाबरदारी पैदा होगी। अगर हम सुनने वाले नहीं है, अगर हमारा सुनने वाली जो हिस्सा है वो ज्यादा बेहतर नहीं, जब कलाम शुरू होता है तो हमें नींद आती है या हम सुनना नहीं चाहते। बहुत से लोग हैं जो प्रसिश में तो होते हैं, दुआ में तो होते हैं, लेकिन जब कलाम की बात आती है यानी सुनने की बात आती है तो वो चर्च से उठकर बाहर चले जाते हैं। याद रखें, आप कभी भी कलाम के फरमाबरदार, जो कुछ कलाम में लिखा है, उन बातों का अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप सुनने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, अगर हम ये चाहते हैं कि हम कलाम के अंदर जो कुछ लिखा है उसके फरमाबरदार हों तो हम सीखने का अमल अपनी जिंदगी में जारी रखें। मेरी आदत है किताबें पढ़ना, खादिम होते हुए, खुदाम का खादिम होते हुए, और हर शाम मेरी ये कोशिश होती है रात सोने से पहले कि कोई ना कोई किताब, अगर किताब नहीं पढ़ सका तो किसी दूसरे पासवान का जो अच्छा सिखाने वाला है उसके पैगाम को सुनकर सोना है।
जब हम कुछ सुनते हैं तो हम सीखते हैं और सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, क्या करो सब बोले क्या बनाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। शागिर्द जो है वो होता है जो उस्ताद से सीखता है, शागिर्दियत में आता है। हम ईमानदार बन जाते हैं, शायद मैं समझता हूं कि पास्टर बन जाते हैं, एल्डर बन जाते हैं, लेकिन कभी शागिर्द नहीं बन पाते। अगर हम अच्छे शागिर्द बन जाएं तो हम सुनेंगे भी और सुनने से सीखेंगे भी। और तीसरी और अहम बात कि हमारी जिंदगी में फरमाबरदारी, कलाम की फरमाबरदारी कब आएगी, जब हम कलाम पर अमल करेंगे, जब हम क्या करेंगे कलाम पर। मुकद्दस याकूब के खात उसके पहले बाब की 22वीं आयत में लिखा है लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है और देख कर चला जाता और फौरन भूल जाता है। अगर हम कलाम को सुनते नहीं, सीखते नहीं और उस पर अमल नहीं करते, कलाम हर अतवार सुने, हर रोज टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पर सुने, लेकिन अगर अमल नहीं, तो कलाम में लिखा कि ऐसी जिंदगी वो है जो आईने में शीशे में अपना चेहरा देखे कि यहां पर कोई चीज लगी है लेकिन देखकर क्या चलो कोई गल नहीं, कोई कालक लगी है, कोई चीज मुंह पर लगी है। इसी तरह ईमानदार भी है, क्यों हमारी जिंदगी में कलाम की फरमाबरदारी नहीं होती, हम क्यों खुदा के कलाम के फरमाबरदार नहीं होते, क्योंकि हम सुनने वाले नहीं, हम सीखने वाले नहीं और हम अमल करने वाले नहीं होते। जब ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं तो फिर हमें पाकीजगी हासिल होती है। क्या हासिल होती है? पाकीजगी हमारी जिंदगी में तब आती है जब हम कलाम के फरमाबरदार होते हैं। हम इस बात को सीख रहे हैं कि हम किस तरह बिदात से, बिदती लोगों से और उनकी तालीम से निपट सकते हैं। तो मेरे अजीजों, उनसे निपटने के लिए जरूरी है कि हम कलाम के फरमाबरदार हों। कोई शख्स आकर आपको नई बात सुनाए कि नहीं कलाम से तो यह लिखा, तो असी उन्होंने कहिए काट के बखाओ कितने लिखे है। अगर हमें पता होगा तो हम कहेंगे कि भाई जो तशरी आप कर रहे हैं, जो बात आप बता रहे हैं, ये बात ऐसे नहीं है। बहुत से लोग बपतिस्मे की जब बात आती है कि बड़ों को बपतिस्मा लेना चाहिए, तो वो लोग जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं वो कहते हैं जी बड़ों को बपतिस्मा देने का हुक्म यीशु ने कहा गैर कौमों ने लेना है। किन्होंने लेना है जी? गैर कौमों ने, जो मसीह पर ईमान नहीं लाए। तो हम ये कहते हैं कि जब तक कोई शख्स अपने दिल से मसीह पर ईमान नहीं लाता, मसीह घर में पैदा तो होता है, उसने सारी रवायतों पर अमल भी किया, हदीये भी देता रहा, चंदे भी करता रहा, लेकिन अपने मुंह से यीशु के खुदावंद होने का इकरार नहीं किया, वो गैर कौम के बराबर है। हम इसीलिए उसे मसीह पर ईमान लाने के बारे में बताते और उसे मसीह के खानदान का रुकन बनने और उसके हुक्म पर अमल करने का मौका उसे फराहम करते हैं। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, वो अपनी तशरीह इस तरह बयान करते हैं। लेकिन अगर हम कलाम से वाकिफ हैं तो ये नई चीजें, ये गलत तशरीहात जो पेश की जाती हैं, अगर हमने ध्यान से सुना है, अगर हमने उस बात को सीखा है, अगर हमने उस पर अमल किया है, तो कोई शख्स हमें ईमान से हटा नहीं पाएगा। लेकिन जैसे कलाम में लिखा है कि नेकी के अतबार से दना बन जाओ, नेकी करने के अतबार से दना होंगे, हम उनका इनकार करने वाले होंगे कि आप बुरे लोग हैं, आप मेरा, मेरे घर की, खानदान की तालीम का, रूहानी तालीम का नुकसान करेंगे, तो फिर हम कलाम की फरमाबरदारी करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग ऐसे लोगों की इबादत में, वो उनकी फेलोशिप में बैठना, वो उनके साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। और मेरे चीजों याद रखें, वो लोग जो बुरों के साथ मिल जाते हैं वो भी बुरे ही बन जाते हैं। एक दफा एक लड़की, उसने सफेद लिबास पहना था और वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ कोयले की कान को देखने के लिए गई, और जब वो कोयले की कान से बाहर आई तो उसका सफेद लिबास काला हो चुका था। ये ना सोचे कि मैं तो खाना खाने के लिए गया था, ये ना सोचे कि मैं कौन सा उनकी तालीम को मानता हूं, मैं तो सिर्फ उनके साथ वैसे ही बैठने के लिए गया था। जब आप कोयले की कान में जाएंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपके कपड़े काले ना हो। खुदावन अपने कलाम में ये कहता है, और खुदा का इत्मीनान, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल
उछलवा देगा। खुदावन क्या कहता है, खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल क्या करेगा, उछलवा देगा। पुराने वक्त में जब पहलवान लड़ते थे, जैसे आज भी कबड्डी खेली जाती है, रेसलिंग होती है, जब पहलवान लड़ाई करते थे, दंगल करते थे, वो शख्स जो जीत जाता, उस शख्स को जो हार जाता उसके ऊपर वो अपना पांव रखता और वो अपने हाथ उठाकर इस बात का इजहार करता था कि मैं जीत चुका हूं। और इसी तरह मेरे जीजो, अगर हम इस ईमान की कुश्ती को बेहतर तौर पर लड़ें, हम ऐसे लोगों को ताड़ें, उनसे किनारा करें, हम कलाम की फरमाबरदारी करें, हम सुने, हम सीखें, हम कलाम पर अमल करें, हम उस कोयले की कान में, हम उन लोगों की इबादत का, हम उनकी फेलोशिप का हिस्सा ना बने, तो याद रखें खुदा के इत्मीनान में रहते हुए वो जल्द शैतान को, उस बिदती तालीम को हमारे पांव से कुचलवा देगा। आज बिदतों के मशहूर होने और उनके बढ़ने की वजह भी लोग ही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये गलत तालीम देते हैं, लेकिन चंद साल पहले अगर उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए तो वो लोग उनका ही हिस्सा रहे। आज बहुत से लोग जो ऐसे लोगों के खिलाफ हैं, वो कभी उनका हिस्सा थे। अगर हम उनका हिस्सा ना बने, खुदावन की इत्मीनान में रहे, तो खुदावन शैतान को हमारे पांव से कुचलवा देगा। हमारी जिंदगी एक गवाही बन जाएगी कि वाकई हम उनका हिस्सा नहीं बने। आज अगर हम ये चाहते हैं कि कलीसिया में बिदात, बिदती फिरके वो ना बने, ना नए फिरके बने, तो हमें ऐसी तालीमात को, जो नई तालीमात और खुदा के कलाम के खिलाफ तालीमात हैं, हमें उनका इनकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उनका हिस्सा बन जाएंगे तो इस तरह ये बिदात और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। बिदात बढ़ेंगी, बढ़ती रहेंगी, लेकिन हमें कभी भी उनका हिस्सा नहीं बनना। पौलुस कहते हैं, खुदावंद का बंदा ये कहता है 20वीं आयत के आखिरी हिस्सा में, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। क्या होता रहे? खुदावंद यीशु मसीह का जब उसका फजल हो, तो वो हमें ऐसी चीजों को बर्दाश्त करने और ऐसे लोगों को जवाब देने वाले भी बनाता है। लेकिन क्यों हम ऐसे लोगों का हिस्सा बनते हैं और कब हिस्सा बनते हैं? जब हम खुद इस बात से वाकिफ नहीं होते। मैं हमेशा गैर कौमों की बात करता हूं, उनका छोटा बच्चा जो शायद हाफ़िज़े कुरान है, आप उनके मजहब के बारे में बात करें, वो दो मिनट में आपको जवाब दे देगा। वो कोई आयत की बात करें, वो आपको बता देगा। लेकिन आज हमारे नौजवान जिनकी उम्र 20-20 साल, 22-22 साल हैं, आप उन्हें कहें कि बाइबल की एक आयत हवाले के साथ सुनाई, उन्हें वायत नहीं आती। इसीलिए कोई भी शख्स नई तालीम लेकर आता है, उनके लिए वो पादी साहब है, क्योंकि उसने कलामी मुकद्दस को पकड़ा है। चूंकि वो चर्च में आते हैं तो वक्त गुजारने के लिए आते हैं, क्योंकि जब वो चर्च में आते हैं तो टाइम पास करने के लिए आते हैं, ये समझते हैं कि हदिया डालने के लिए आए हैं, इसीलिए वो ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। याद रखें, जब आपके घर में कोई आए, कोई तालीम देने के लिए आए, तो उसका, उसको देखें, उसकी अदात पर गौर करें, उसकी तालीम पर गौर करें। अगर वो दुरुस्त तालीम नहीं देता तो कलाम में लिखा है क्या करें उससे? किनारा करें। क्या करें उससे? कलाम की फरमाबरदारी करें, ज्यादा से ज्यादा कलाम को सुने, उसको सीखें और उस पर अमल करें, पाकीजगी को हासिल करें। जब हम ऐसे होंगे तो खुदावंद जल शैतान को हमारे पांव से कुचलवाएगा। किसके पांव से? हमारे ही पांव से कुचला जाएगा शैतान। याद रखें, कब? जब हम ईमान में मजबूत होंगे। मेरी खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद हमें यह तौफीक बख्शे कि हम ऐसी तमाम बिदती तालीमात का, ऐसी तमाम गलत तालीमात का जो खुदावंद के कलाम के खिलाफ हैं, अपनी जिंदगी में उनका इनकार करने वाले हों। खुदावंद हमें हौसला बख्शे और खुदावंद हमें यह तौफीक बख्शे कि हम ऐसे लोगों के साथ शामिल ना हों। खुदावंद का कलाम हम सबों के लिए बाबरकत ठहरे।